नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अमर शहीद दीपक सिंह की अस्थि विसर्जन हेतु कलश यात्रा आज उनके गृह ग्राम से प्रयागराज इलाहाबाद के लिए रवाना हुई। घर परिवार और रिश्तेदार और गांव के लोगों ने गमगीन माहौल में अपने लाल अमर शहीद दीपक सिंह की अस्थि विसर्जन हेतु कलश यात्रा में भाग ले रहे हैं। कुछ देर पहले ही प्रयागराज इलाहाबाद के लिए अस्थि कलश रवाना की गई है। देश के महानायक विंध्य के महावीर अमर शहीद दीपक की गमगीन माहौल में अस्थि कलश जैसे ही प्रयागराज के लिए रवाना हुआ, घर और गांव के लोगों की मौजूदगी में लोगों की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। अपने वीर सपूत की अस्थि कलश को हिंदू रीति रिवाज विधि विधान के तहत परिवार के लोगों ने विदा किया। गौरतलब है कि भारत चीन सीमा के गलवान घाटी में 15 जून को विंध्य के लाल वीर सपूत दीपक सिंह गहरवार शहीद हो गए थे। दीपक के शहीद होने पर पूरा विंध्य शोक में डूब गया था और अमर शहीद दीपक सिंह के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी वीर सपूत को अंतिम विदाई और अंतिम दर्शन के लिए उनके गृह ग्राम फरिंदा आए थे। आज उनकी पत्नी, दादी, पिता, भाई और भाभी और रिश्तेदारों और गांव के लोगों की मौजूदगी में अमर शहीद वीर सपूत का भारतीय परंपरा के अनुसार अस्थि विसर्जन की तैयारियां की गई। जगह जगह पर आमजन सड़क मार्ग पर अस्थि कलश यात्रा में भाग लेकर विदाई दे रहा है। दोपहर बाद अस्थियों को भारत की पवित्र नदी श्री गंगा प्रयागराज में प्रवाहित किया गया। तहसील के कलवारी जनता का पहुँच जाएंगे, वहाँ के प्रभारी अधिकारी जो तहसीलदार हैं अनिल कौर जी, वो आएंगे और वो पीछे। सर नाम क्या है आपका? शिव भूषण सिंह, नायब तहसीलदार रायपुर करपिया। थैंक यू सर। पुष्पेंद्र सिंह जी, आप आज किस लिए आए हैं यहाँ पे? हमारे परिवार के हैं, इनका अस्थि आ रहा है। अच्छा, आपको दीपक के लिए? दीपक, शहीद दीपक परिवार के लिए। अच्छा, अस्थि कलश यात्रा आ जाए।